एक गुड न्यूज है। तो आज से 1 साल के लिए मंदिर की जिम्मेदारी जाएगी ताऊ जी पे, यानी भविष्य बद्री मंदिर के पुजारी होंगे ताऊ जी। तो थोड़ी देर में इस गाड़ी में जाएगा पूरा सामान, तो इसी में चलेंगे सारे लोग। तो चलिए भाई, फाइनली पहुंच गया भविष्य बद्री स्टेशन पे, और यहाँ पे रहा स्टेशन। बाकी यहाँ से 200-300 मीटर दूर है भविष्य बद्री मंदिर, तो चलते हैं सीधे मंदिर में। चले जी, पहुँच गए हैं नारायण जी के दरबार में, तो अंदर चलते हैं, पहले सामान वगैरह रखें। तो चलो भाई, आज सुबह होते ही बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, और आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है जी। कर लेते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर से लोकेशन सुबाई भविष्य बद्री से। सुबह के करीबन 7:30 हो रहे हैं और आज सुबह से बारिश हो रही है बहुत तेज, यानी अभी तो हल्की हल्की लगी है, सुबह तेज हुई थी। और आज एक गुड न्यूज है, तो आज से 1 साल के लिए मंदिर की जिम्मेदारी जाएगी ताऊ जी पे, यानी भविष्य बद्री मंदिर के पुजारी होंगे ताऊ जी। तो थोड़ी देर में आज मंदिर में जाएंगे हम एक गाड़ी के साथ भव्य रूप में। क्यों ताऊ जी, कुछ बताएंगे उस बारे में? आज वहां पर पुराने पुजारी का चार्ज मुझे मिल जाएगा, वहां पर कल से मेरी पूजा शुरुआत होगी पट खुलने के पर्व पर। वहां पर 1 साल के लिए मुझे पुजारी नियुक्त किया गया है। चलिए जी, कल 10 मई को बाबा केदार के द्वार खुल गए हैं सभी भक्तों के लिए, और कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी बाबा केदार के स्वागत के लिए। और आने वाला कल यानी 12 तारीख को भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने वाले हैं, और साथ में ही भविष्य बद्री जी के कपाट भी कल ही। चलिए जी, अभी हम जा रहे हैं भविष्य बद्री मंदिर में, यानी आज से ताऊ जी हैं भविष्य बद्री मंदिर के पुजारी 1 साल के लिए। तो सामान भी जा रहा है, ताऊ जी वहीं रहेंगे 1 महीने, जब तक हम लोग जंगल में हैं तब तक वहीं रहेंगे। फिलहाल रावल जी का सामान जा रहा है यहाँ से भविष्य बद्री के लिए। अभी सारा सामान लेकर हम सब जा रहे हैं भविष्य बद्री मंदिर की ओर। बाकी कल बद्री विशाल जी के कपाट भी खुल रहे हैं, तो आज सारा सामान ऊपर मंदिर में रख देंगे। ये भाई, इस गाड़ी में जाएगा पूरा सामान, तो इसी में चलेंगे सारे लोग। चलिए, यहाँ सामान पैक हो गया सारा, तो यहीं बैठेंगे अब। क्यों तो चलिए भाई, फाइनली पहुंच गया भविष्य बद्री स्टेशन पे, और यहाँ पे रहा स्टेशन। बाकी यहाँ से 200-300 मीटर दूर है भविष्य बद्री मंदिर, तो चलते हैं सीधे मंदिर में। चले जी, पहुंच गए हैं नारायण जी के दरबार में, तो अंदर चलते हैं, पहले सामान वगैरह रखेंगे, फिर आपको भी दर्शन करवाएंगे। जय हो नारायण। चलिए भाई, अभी मंदिर में थोड़ा भीड़ है, अंदर दर्शन के लिए यात्री लोग आए हैं, तो हम थोड़ी देर में करेंगे। चले जी, अभी घर की ओर निकलते हैं, बाकी दर्शन वगैरह हो गया है। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है भविष्य बद्री मंदिर में, क्योंकि कल बद्री विशाल जी के कपाट भी खुलने हैं, तो क्या पता बद्रीनाथ में आज रुकने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही होगी, जिस वजह से ज़्यादा लोग यहाँ जो प्रशासन द्वारा डाइवर्ट कर दिया होगा। तो यात्रा इस बार इस हिसाब से ठीक ठाक चलेगी ऐसा लग रहा है, देखते हैं कैसा रहता है इस बार। तो देख लो भाई, आज गाड़ियों की लाइन लग गई है, कोई आ रही है तो कोई लगातार यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं। तो चलिए जी, आज भविष्य बद्री जो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित ये मंदिर है, इसके पुजारी जी भी पहुंच गए हैं, क्योंकि कल सुबह भविष्य बद्री मंदिर के कपाट भी खुलने हैं। तो फिलहाल इस वाले मंदिर का काम तो पूरा अभी हुआ नहीं, तो भगवान जी उस वाले मंदिर में हैं, तो कुछ टाइम बाद यानी दीपावली के टाइम ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ होगी पूजा स्टार्ट। तो फिलहाल अभी शाम के टाइम अभी जा रहे हैं हम घूमने,
आगे की ओर। बहुत दिनों से इस साइड घूमने नहीं गए हैं, तो आज थोड़ा वॉक करके आते हैं इस साइड। बाकी आजकल खेत बिल्कुल हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गेहूं की फसल होने वाली है कुछ टाइम बाद। गर्मी से ये फसल भी पूरे हो जाएंगे। और जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, उनमें आजकल आलू वगैरह बोए हैं। चलिए जी, फाइनली पहुंच गए हैं गांव के उस जगह जहां पहले मैं वीडियो अपलोड करने के लिए आता था शुरू में, जब गांव में नेटवर्क नहीं था। ये सारे नेटवर्क पकड़ते हैं गांव में, केवल वोडाफोन पकड़ता है। यहां पे वोडाफोन, एयरटेल और जियो वगैरह सारा पकड़ता है, और जियो 5G पकड़ता है इस वाले धार में। बाकी यहाँ से सामने दिखता है ओली। नीचे है गांव का पैदल रास्ता जहां से पहले आते थे, नीचे नदी के पास में, और वो गांव है सलदार। और ये हमारे गांव के पार्ट हैं पूरे चाचड़ी, और ऊपर भी चाचड़ी जो बिल्कुल रोड से जुड़ा हुआ है। पहले ऐसे ही बैठे रहते थे नेट चलाने के लिए जब गांव में नेटवर्क नहीं था, तो आज उसी का आनंद ले रहे फिर से 5G का आनंद, जियो 5G यहाँ पे। सुबह से यात्रियों की इतनी भीड़ है भविष्यवती में, बताएं क्या। लगातार सुबह से गाड़ियाँ बाइक कंटिन्यू चल रही है, सुबह से रोड खाली भी नहीं है। अगर ऐसे ही यात्रा चलता रहा तो कुछ टाइम बाद यहाँ भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि पंचबद्री में से एक है भविष्य बद्री। और यहाँ नारायण जी की नेचुरल मूर्ति है जो शिला निकल रही है, उसके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आजकल सबसे बढ़िया टाइम है यात्रा करने का। चलिए जी, फाइनली घूम के आ गए हैं। बाकी कल का सबको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि 6 महीने बाद नारायण जी के कपाट खुल रहे हैं। तो कल सुबह आपको भविष्य बद्री नारायण जी के दर्शन भी करवाएंगे, साथ में अगर बद्रीनाथ जाने का प्लान होगा तो देख लेंगे फिर।